एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की मेरी आर्ट कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम राजस्थान। वहाँ की प्रसिद्ध पेंटिंग होती है पिछवाई। पिछवाई आर्ट में भगवान श्रीनाथ जी का रूप बनाया जाता है और इस पेंटिंग को मैं बिग लार्ज कैनवस साइज 5.5x4 फीट पे बनाऊंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं और मेजरमेंट के जरिए हम भगवान श्रीनाथ जी का फेस सबसे पहले बनाएंगे। और ये कला भगवान श्री कृष्ण जी के बाल रूप को प्रदर्शित करती है। अब सही मेजरमेंट से श्रीनाथ जी की स्केचिंग तैयार हो गई है और प्रपोर्शन एकदम सही आया है। आईज, चिन, नोज सब एकदम करेक्ट पोजीशन पे होना चाहिए। और एक बार जब आपकी स्केचिंग रेडी हो जाए तब आप एक सूखे साफ कपड़े से सरफेस को क्लीन कर ले। अब मैं यहाँ पर मरून शेड का यूज कर रही हूँ और कोड है 253। सबसे पहले हम बैकग्राउंड को ही कवर करते हैं और एक बार बैकग्राउंड कवर हो जाए देन उसके बाद हम बाकी बॉडी पे कलर करेंगे। मैं यहाँ पे ग्रीन, ब्लू, वाइट और लिटिल बिट येलो का यूज करूंगी फेस के लिए। और फेस पे कलर करने के लिए सबसे पहले मैंने व्हाइट कोट किया है और उसके सूखने नहीं दिया है और हल्के गीले में ही मैं और शेड्स डालूंगी। और धीरे धीरे मैं शेड्स डालती जा रही हूँ और सही प्रपोर्शन में जब कलर शेड आ गया है तब मैं आइस को कलर करना शुरू करती हूँ। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। बी श्योर कि जब भी हम कोई कलर कोड करें तो उसको एक बार ड्राई हो जाने दें, देन हम उस पर दूसरा कलर अप्लाई कर सकते हैं, तभी एक अच्छी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पे मैंने फेस का ऑलमोस्ट शेड्स डाल लिए हैं। अब मैं आइस पे आई हूँ और उसको मैंने सूखने का टाइम दिया था, उसके बाद ही मैंने दूसरे पोर्शन को करना शुरू किया। आइस के लिए मैं ब्लैक एंड ब्राउन का यूज कर रही हूँ, लिटिल बिट ब्राउन है। अब देखिए श्रीनाथ जी का फेस कुछ ऐसा बन के आया है। सही इफेक्ट्स लाने के लिए सही शेडिंग इम्पोर्टेंट है। और कमल के पंखुड़ियों को कलर करने के लिए मैं यहाँ वाइट, पिंक एंड लिटिल बिट येलो का यूज़ करूँगी। शेडिंग लाने के लिए कलर का मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। और भगवान जी के गहने को कलर करने के लिए मैंने गोल्डन येलो, थोड़ा सा वाइट और थोड़ा सा ब्राउन का यूज किया है।
कमल के पेटल्स को करने के लिए सबसे पहले आप वाइट कोट करें, देन उस पर लिटिल बिट साइड कॉर्नर से रेड और पिंक जो भी आपको पसंद हो वो आप करना शुरू करें धीरे धीरे। ब्रश बहुत गीला और बहुत सूखा नहीं होना चाहिए, बीच का होना चाहिए, तभी कलर मिक्सिंग अच्छी होती है। और उसको आप धीरे धीरे मिक्स करते जाएं, फाइनली आपका एक शेड निकल के आ जाता है। और लिटिल बिट येलो का भी मैं यहाँ यूज़ लोटस में कर रही हूँ। विद डॉट्स मैंने भगवान जी की ज्वेलरी बनाई है। और इन डॉट्स में मैंने गोल्डन एंड वाइट का यूज किया हुआ है। और इस तरह से पूरे भगवान जी की ज्वेलरी आप तैयार कर सकते हैं विद द मिक्सिंग ऑफ गोल्डन येलो वाइट एंड लिटिल बिट रेड एंड ब्राउन ऑल्सो।